नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रही आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। कुढ़न्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टियों ने अपना ताकत झोंकना शुरू किया। भाजपा और महागठबंधन के प्रत्याशी को लेकर हुई बैठक शुरू। 3 साल बीत जाने के बाद सदर अस्पताल में बंद नशा मुक्ति केंद्र को खोलने की कवायद शुरू। और 2017 मामले में तत्कालीन एसडीओ पूर्वी समेत 3 अधिकारी पर सीजेएम कोर्ट में किया वारंट जारी। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के छोटी सरैयागंज के एक मोहल्ले में मकान में अचानक आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों के साथ नगर थाने की पुलिस पहुंची। नगर थाना क्षेत्र के छोटी सरैयागंज नव युवक समिति के समीप मोहल्ले के एक घर स्थित झाड़ू के गोदाम में अचानक से आग लग गई। देखते देखते आग की लपटें गोदामों से बाहर निकलने लगी। आग का विकराल रूप देखते ही मोहल्ले वालों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। हालांकि वहां अफरा तफरी मच गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ी के साथ नगर थाना के पुलिस पहुंची। फायर ब्रिगेड के अधिकारी काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। नगर थाना के पुलिस ने बताया आग लगने का कारण नहीं पता चल पाया है। गोदामों में झाड़ू और चटाई भारी मात्रा में थे। हम लोग को टेलीफोनिक सूचना मिली तिलक मैदान रोड में महाराजा स्वीट्स के सामने एक घर में आग लग गया है। हम लोग तुरंत फायर ब्रिगेड को खबर किए। हम लोग भी आए और लगभग आधा घंटा पहले से हम लोग आग बुझाने में लग गए हैं। आग बिल्कुल कंट्रोल हो गया है, थोड़ा सा बाकी है, आधा घंटा में भी कंट्रोल हो जाएगा। सर, आग लगने का मुख्य कारण क्या है? सर, कारण तो अभी हम लोग को कारण के बारे में नहीं है। घर है, उसमें सामान रखा हुआ, आग कैसे लगा, अभी तो हम लोग आग बुझा रहे हैं, बुझाने के बाद इस पर हम सोचेंगे। पहले स्थिति नहीं देखिए। अभी हम लोग जो है मुजफ्फरपुर के समझिए सरैयागंज टावर चौक महाराजा के पास हम लोग हैं और हम लोग को ये सूचना मिली कि यहाँ जो भीषण आग लगी हुई है। अभी तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, साथ में जिला प्रशासन और मोहल्ले के तमाम लोग जो खड़े हैं हमें जहाँ तक लगता है कि आग पर जो है काबू पूरी तरीके से नहीं पाई गई है, मगर थोड़ा बहुत है। मगर जिला प्रशासन के सहयोग से जो पानी जो आया है, सभी लोग चीज़ जो आया है उसके सहयोग से जो आग पर काबू पा दी जाएगी। किस चीज़ से आग लगी है ये नहीं समझ में आ रहा है, किस चीज़ से आग लगी है। सभी लोग हम लोग को जो है सूचना मिला है, सूचना के आधार पर यहाँ पर आए हैं। कुढ़न्नी प्रखंड के केरमा चौक के समीप भारतीय जनता पार्टी की चुनावी बैठक में जदयू के सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। कुढ़न्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ बैठक करना शुरू कर दी है। इसी कड़ी में केरमा गांव में भाजपा द्वारा बैठक की गई, जिसमें जदयू के वरिष्ठ नेता अबोध शाह अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रंजन कुमार, दरभंगा के विधायक और प्रत्याशी पूर्व विधायक केदार प्रसाद गुप्ता समेत कई भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जेडीयू से आए अबोध शाह समेत सभी कार्यकर्ता को विधिवत भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि हम भारी मतों से कुढ़न्नी विधानसभा जीतेंगे। हम 20 साल से जनता दल यूनाइटेड के लिए काम कर रहे थे, लेकिन पार्टी अपना बार बार बदल इधर से उधर करती रहती है, इसलिए इस बार मैंने फैसला किया कि भाई अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के साथ रहूंगा और इसी क्रम में मैं अपना योगदान भारतीय जनता पार्टी को दिया। आपकी अगला रणनीति क्या होगा चुनाव? चुनाव में हम लोग चुनाव जीतेंगे। हर गांव हर क्षेत्र में मेरा परिचित है लोग, मैं सब जगह जाऊंगा और पार्टी के लिए काम करूंगा और पार्टी को जिताऊंगा। देखिए, कोई VIP हाई प्रोफाइल कौन बनाता है? जो हाई प्रोफाइल होता है वो हाई प्रोफाइल बनाता है। तो VIP हाई सिर्फ नाम VIP रख लेने के लिए से आदमी VIP नहीं हो जाता है। गांव देहात में देखते हैं जो बुर्वक होता है उसको मास्टर साहब कहा जाता है। तो कह देने से VIP नहीं हो गया है। देखिए, VIP पार्टी का जो आधार है उस आधार का कभी VIP ख्याल नहीं करती है। अगर उस आधार का ख्याल करती VIP तो यहाँ से टिकट अपने समाज के लोग को देती, लेकिन वो जो काम करना है वो अप्रत्यक्ष रूप से जदयू को मदद करने के लिए VIP ने यहाँ उम्मीदवार खड़ा किया है
और भूमिहार समाज से आने वाले उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा किया है। लेकिन जनता जागरूक है, जनता समझदार है, कोई भी लोग अपना वोट अपना मतदान बर्बाद करने के लिए नहीं करते हैं। हर व्यक्ति का वोट जिताने और हराने के लिए होता है। सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आज गुरन्नी विधानसभा के कद्वार नेता भाई अबोध शाह जी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, जो कार्यकर्ता बूथ स्तर तक से लेकर के पंचायत स्तर तक एकदम माइक्रो मैनेजमेंट से काम करते थे, वैसे कार्यकर्ता आज अबोध भाई के नेतृत्व में आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। अबोध भाई तो 10 तारीख को ही दिल्ली में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिए थे। आज इनका स्वागत एवं अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता, करीब 700 से 800 कार्यकर्ता इसमें आज शामिल हुए हैं। निश्चित तौर पर इनके शामिल होने से कुरन्नी क्षेत्र में हम और मजबूत होंगे और हमारे जीत में जो वोटों का अंतर है ये काफी। कुढ़न्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर महागठबंधन ने तुर्की मेला ग्राउंड में कार्यकर्ता महासम्मेलन किया। कुढ़न्नी उपचुनाव को लेकर तुर्की के मेला ग्राउंड में महागठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसमें जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री जितेंद्र राय सहित कई विधायक और MLC मौजूद रहे। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में राजद, जदयू, कांग्रेस और हम के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वही मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि भाजपा सिर्फ जात धर्म की बात करती है, वो काट की हांडी बार बार चढ़ाती है। वहीं उन्होंने कहा कि कुढ़न्नी में AIMIM कोई नुकसान नहीं करेगा। वहीं कार्यक्रम में आए मंत्री जितेंद्र राय ने बताया कि AIMIM का कोई फैक्टर यहां काम नहीं करेगा, सबको चुनाव लड़ने का हक है। उन्होंने कहा कि कुढ़न्नी में जदयू की जीत सुनिश्चित है। चुनाव का महागठबंधन का एक बैठक हो रही है, इस बैठक में हमारे बीच माननीय मंत्री जितेंद्र यादव जी और महागठबंधन के सभी तमाम लीडर की उपस्थिति है और पूरे महागठबंधन पूरे मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है। भाजपा विकास विरोधी है, भाजपा को जनता, बिहार की जनता ने समझ चुका है, उनका खेल खत्म हो गया है और हमारे नेता, सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव की जोड़ी को बिहार की जनता ने स्वीकार किया है, दिल से स्वीकार किया है और इस बार महागठबंधन का ये चुनाव में जीत होगी। बीजेपी कह रही है कि हम गोपालगंज जीतेंगे, यहाँ पे जीतेंगे। बीजेपी कह रही है हम गोपालगंज में जीतेंगे, यहाँ पे जीतेंगे। बीजेपी क्या बोलेगी, बीजेपी के पास कोई मुद्दा है क्या? बीजेपी जाति और धर्म के नाम पर समाज और देश को बांटने का काम कर रही है। बीजेपी को समझना चाहिए कि हमेशा जो है काट का हांडी नहीं चढ़ाया जा सकता है, बराबर जो है काट के हांडी को नहीं चढ़ाया जा सकता है। ये उनका जो है हमेशा जो है जनता को भ्रमित करके वो वोट नहीं ले सकते, सत्ता में हमेशा बने नहीं रह सकते हैं। ये AIMIM की भी पार्टी भी चुनावी मैदान में, ऐसे में क्या लगे, कितना असरदार होगा? हमारे तमाम साथी लोग आज हम लोग बैठक कर रहे हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी जनता दल यू के उमेश कुशवाहा जी, बड़े भाई भी यहाँ उपस्थित हैं और सभी इस जिला के सभी कार्यकर्ता हैं, महागठबंधन के सातों दल के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और चुनाव की तैयारी पर हम लोग बैठक कर रहे हैं। क्या लगता है ओवैसी फैक्टर रहेगा? देखिए आप भी जान रहे हैं कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी टीम के रूप में लोग आते हैं जाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नुकसानदायक हो सकता है गोपालगंज वाली? गोपालगंज में हम लोग कहाँ थे पहले, हम लोग 45,000 से चुनाव हारते थे, इस बार 1700 से हम लोग चुनाव हारे हैं। इस विषय को भी तो आप समझिए, केवल आप लोग गोपालगंज रिपीट किए हुए हैं तो अंतराल कहाँ रहा है, इस विषय को भी समझने की जरूरत है। VIP वोट कर रही कि नहीं मुकेश सहनी? VIP की पार्टी मुकेश सहनी भी चुनावी मैदान में, तो उससे क्या हुआ? चुनाव होता है तो बहुत सारे लोग लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के लिए रुख है और चुनाव में अगर 20 प्रत्याशी लड़ते हैं तो निचले पायदान पर भी जो आता है उसे भी पूछिएगा तो वो कहेगा कि हम जीत। 2017 मामले में तत्कालीन SDO पूर्वी समेत 3 अधिकारियों के खिलाफ CJM कोर्ट ने वारंट जारी किया। 22 जुलाई 2017 को शुक्रवार की नमाज के बाद कमरा मोहल्ला इलाके में मौलाना काजिम शबीब के समर्थकों और वक्फ बोर्ड के सदस्यों के समर्थकों के बीच झड़प हो गई थी। मौलाना शबीब ने अपने समर्थकों के साथ कथित तौर पर वक्फ की जमीन पर दुकानों को बंद करने की कोशिश की, लेकिन बिहार पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस कर्मियों ने कथित तौर पर मौलाना शबीब, उनकी पत्नी, बच्चों और समर्थकों सहित उनके परिवार के सदस्यों की पिटाई की।
इस दौरान अपने घर जा रहे सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर के स्टाफ सैयद इकबाल अली को तत्कालीन डीएसपी टाउन आशीष आनंद, एसडीओ पूर्वी सुनील कुमार और थाना अध्यक्ष कमलेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा पिटाई किए जाने के मामले में शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से इन तीनों के खिलाफ वारंट निर्गत किया गया है। परिवादी के अधिवक्ता शरद सिन्हा ने बताया कि सैयद इकबाल अली की ओर से नगर थाना में सूचना देने के बाद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद सीजीएम कोर्ट में परिवाद पेश किया गया था। 2017 से अब तक 5 वर्ष होने के बावजूद अभी तक आरोपित न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो रहे थे, जिसे लेकर वारंट जारी किया गया है। ये एक्चुअली 21/7/2017 की घटना है। उस वक्त सिया गुरु मौलाना के घर लूटपाट चल रहा था। उसी वक्त ये सिविल कोर्ट के स्टाफ सैयद इकबाल अली वहाँ से गुजर रहे थे, तो आशीष आनंद दी देन डीएसपी, सुनील कुमार एसडीओ पूर्वी और नगर थाना अध्यक्ष कमलेश्वर प्रसाद सिंह तीनों मिलके अपने स्टाफ के साथ और पुलिस पर्सनल के साथ कंप्लेनेंट को पकड़ लिया और बुरी तरीके से मारपीट किया। मारपीट करने के बाद ये थाना फिर गए, थाना गए केस दर्ज करने के लिए, लेकिन चूंकि पुलिस के अगेंस्ट बात थी तो पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। कंप्लेंट केस सीजीएम साहब के यहाँ फाइल हुआ है। फाइल होने के बाद गवाही के उपरांत जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 8/5/19 को ये तीनों अभियुक्तों के अगेंस्ट कॉग्निजेंस ले लिया। कॉग्निजेंस के बाद संबंध भी इशू हुआ। पूरी जानकारी के बावजूद भी ये तीनों अभियुक्त पर्सन न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। आज सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने तीनों के विरुद्ध वारंट जारी करने का आदेश निर्गत किया है। आगे क्या होगा इस वारंट पे? उनको न्यायालय में उपस्थित होना होगा और उसके बाद ये कार्रवाई होगी कि इनको जमानत मिले या नहीं मिले, उसकी बात देखी जाए। प्रेमी युगल को जब परिवार वालों ने अपनाने से इनकार कर दिया तो थानेदार ने पहल करते हुए दोनों की शादी थाने में ही रचा डाली। जिले में पुलिस ने प्रेमी जोड़ी की शादी करवा दी। 22 साल का अविनाश अपने गांव के 19 साल की किरण से प्यार करता था। 4 साल से दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। दोनों ने परिवार से शादी की बात की, लड़के के परिवार ने शादी से इनकार कर दिया और लड़के की शादी कहीं और फिक्स कर दी। इसके बाद लड़की ने उसके परिवार को मनाने की लाख कोशिश की, वो नहीं माने। लड़की थाने पहुंची, पुलिस वाले ने लड़के के परिवार को बुलाया और समझाया कि शादी कर लीजिए, नहीं तो केस दर्ज करना पड़ेगा। इसके बाद थाने में ही पंडित को बुलाया गया और दोनों की धूमधाम से शादी कराई गई। मीनापुर थाना की पुलिस ने थाने पर प्रेमी जोड़े की शादी करवा दी। पुलिस ने पंडित को बुलाकर मंत्र भी पढ़वाया, साथ ही शादी की भी रस्में भी पूरी करवाई। वहीं दोनों पक्ष के परिजन, ग्रामीण और पुलिसकर्मी इस घड़ी के गवाह बने। शादी होने के बाद लड़का अपनी पत्नी को लेकर घर चला गया। मीनापुर थानेदार राजेश कुमार ने एक बार फिर दो दिलों को मिलाने का काम किया। इससे पहले भी वे औराई में प्रेमी जोड़ों की शादी करवा चुके हैं। दोनों परिवार के खटास को भी उन्होंने काउंसलिंग कर दूर कर दिया। हंसी खुशी से दोनों की शादी हुई। थानेदार ने भी अपने स्तर से पता किया, मामला सही पाया गया। इसके बाद उन्होंने लड़का, उसके परिजन और लड़की के परिजन को थाना पर बुलाया। लड़की की बात से सभी को अवगत कराया, लेकिन लड़का के परिजन तैयार नहीं हुए। फिर थानेदार ने कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने बताया कि लड़की केस करना चाहती है, अगर आप लोग एक साथ नहीं हुए तो फिर FIR दर्ज किया जाएगा। उन्होंने दोनों के रिश्ते के बारे में भी बताया, तब जाकर लड़का और लड़की पक्ष दोनों शादी को तैयार हुए। फौरन पंडित को बुलाया गया, सब इंतजाम किए गए और दोनों की शादी करवाई गई। यहाँ समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।
तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। जीनियस क्लासेस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट www.geniusclasses.in और ईमेल अस ऑन info@geniusclasses.in। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ाघाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ाघाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ाघाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहाँ नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है, आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, तो चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। सरकारी आवासों द्वारा अतिक्रमित सड़कों को खाली कराने और जाम से निजात दिलाने को लेकर चंद्र किशोर पराशर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। बिहार सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने सरकारी आवासों द्वारा अतिक्रमण की गई सड़कों को खाली कराने एवं शहर को जाम से निजात दिलाने की मांग पर पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस पर संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार के महाधिवक्ता ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट एवं हाउसिंग डिपार्टमेंट तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर DM एवं SSP से जवाब मांगा है। उन्होंने DM आवास द्वारा सड़क अतिक्रमण, नगर थाना एवं सिकंदरपुर OB द्वारा सड़क अतिक्रमण जैसे कई रिहायशी इलाकों में स्थानीय लोगों द्वारा सड़क अतिक्रमण को चिन्हित कर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने हाई कोर्ट को बताया कि किस तरह से इन लोगों ने सड़क को अतिक्रमण कर रखा है, जिससे आम लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है।
परिवादी आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने बताया कि उन्होंने अतिक्रमण एवं जाम की समस्या को लेकर डीएम एवं कमिश्नर से शिकायत की थी, लेकिन उनकी बातों को अनदेखी कर कोई कार्रवाई नहीं की गई। फतेहपुर शहर में जो सार्वजनिक सड़क हैं उनके अतिक्रमण के मुद्दे पर मैंने माननीय उच्च न्यायालय पटना में एक जनहित याचिका डाला है, जिसमें आरोप लगाया है कि मैंने 20 मई 2022 को मुजफ्फरपुर के डीएम और एसएसपी को मैंने और नगर आयुक्त को मैंने एक प्रतिवेदन दिया और अतिक्रमण को हटाने के लिए आग्रह किया, परंतु अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो मैंने जनहित याचिका दायर किया है जिसमें मैंने आरोप लगाया है कि ये सारे प्रशासन, पुलिस और प्रशासन के संरक्षण में मुजफ्फरपुर के सभी मुख्य बाज़ारों में अस्थायी दुकानें सड़क पर बनाई गई हैं, इसके साथ ही ठेला और गुमती वगैरह रख के भी अतिक्रमण किया गया है। इसके अलावा सरकारी भवनों का के द्वारा भी अतिक्रमण किया गया है, जिसमें मैंने रेखांकित किया है कि मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी आवास, वरीय आरक्षी अधीक्षक आवास और इसके अलावा जो आदर्श नगर थाना है उसका बाउंड्री 5 फीट और इसके अलावा जो सिकंदरपुर नाका है वो पूरा का पूरा नाका ये सड़क को अतिक्रमण करके बनाया गया है। इन सबों को हटाया जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने इसको सुनवाई के लिए रख लिया है और डबल बेंच को दिया है। अगले सप्ताह इसकी सुनवाई संभावित है और इस संदर्भ में जो महाधिवक्ता हैं बिहार सरकार के, उन्होंने मुजफ्फरपुर के डीएम और एसएसपी से, साथ ही कमिश्नर से और जो आवास विभाग है उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी से एक कैफियत पूछा है कि क्या इस तरह की बातें सत्य हैं। उसके आधार पर उनको हलफनामा भी सरकार की ओर से महाधिवक्ता को देना है। अगर यह सुनवाई में मैं साबित कर देता हूँ, सिद्ध कर देता हूँ, तो सरकारी आवास से जितने भी अतिक्रमण हैं मुजफ्फरपुर से हटाए जाएंगे। समरणालय परिसर में स्वतंत्रता सेनानी द्वारा सरकार से अमर शहीद के स्मृति चिन्हों को संभालने की मांग की। जिला के ऐतिहासिक धरोहर अमर शहीदों के स्मृति चिन्हों को संभालने की मांग को लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट के धरना स्थल पर अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी महासंघ के बैनर तले पंडित मधुसूदन झा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि जिले के कई ऐसे ऐतिहासिक धरोहर है जिसे खत्म किया जा रहा है, वहीं अमर शहीदों के प्रतिमा पर गलत शब्द भी लिखा हुआ है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर स्थित शहीद प्रफुल्ल चाकी के शिलालेख पर गलत लिखा गया है। तिलक मैदान स्थित हृदय स्थली को नगर निगम के द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है, जबकि यह स्थल देश के महात्मा स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों की कर्म एवं रणभूमि है। पंडित नेहरू स्टेडियम पर से पंडित नेहरू का नाम पोत दिया गया है। इसके अलावा सरैयागंज टावर के मरम्मत का काम चल रहा है, जिस पर 101 क्रांतिकारियों का नाम अंकित है, उसे भी ध्यान में नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले से डीएम एवं नगर आयुक्त को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार आवेदन के माध्यम से सूचना देने के बाद भी इन ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए डीएम के तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। हम लोगों की मांग है कि डीएम इसे गंभीरता से लेकर ठोस कदम उठाए, इन धरोहरों को बचाने का काम करे। साहब हो या कमिश्नर साहब हो या नगर आयुक्त नगर निगम हो, ये लोग इतने उदासीन हो गए हैं जो हमलों की बात और तो अलग रहे, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के काम बात पर इतने उदासीन हैं। ये खुदीराम बोस स्मारक पर जो प्रफुल्ल चंद चाकी जी की जो शिलापट ये लगा हुआ है, उस शिलापट पर हिंदी में जो लिखा गया है 10 लाइन, उसमें भी गलतियां हैं। उस गलती को सुधारने के लिए मैंने 11 अगस्त को खुदीराम बोस जी के फांसी के दिवस से के दिन कलेक्टर साहब को दिखलाए थे, लेकिन कलेक्टर साहब के द्वारा आज तक उस पर कोई कृत कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इसके बीच में भी मैंने लिखित दिया और स्वयं भी मिलकर के कलेक्टर साहब से बतलाया और नगर आयुक्त से बतलाया। जब एक जगह इतनी गलती हो सकती है तो सरियागंज टावर पर
हमारे 101 क्रांतिकारियों की का नाम उस पर अंकित है, जो तो उसमें कितनी गलतियां होगी यह जानने और समझने बुझने की बात है, लेकिन इसके लिए भी मैंने चेतावनी दे रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं और कलेक्टर साहब से और नगर आयुक्त से इसके लिए मैं कटिबद्ध हूं जो उसको शुद्धिकरण हो और उसमें गलतियां नहीं हो। दूसरी बिंदु, तीसरी बिंदु है जो तिलक मैदान रोड में जो हमारे क्रांतिकारियों की रणभूमि और कर्मभूमि हृदयस्थली है, वहाँ शिलापट लगा हुआ है 1934 के ईस्वी के पहले का, और वहाँ पर गांधी जी, कस्तूरबा जी और पंडित राजकुमार शुक्ल चंपारण वाले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मथुरा बाबू, गया बाबू, मौलाना शफी दाऊदी, एजाजी साहब वगैरह वगैरह बहुत बड़े बड़े हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग वहाँ पर राहत कार्य चलाए थे। और ये 1934 ईस्वी को जब 15 सदर अस्पताल परिसर में 3 वर्षों से बंद नशा मुक्ति केंद्र को खोलने की कवायद शुरू हो गई। सदर अस्पताल परिसर में कोरोना के कारण 3 वर्षों से बंद पड़े नशा मुक्ति केंद्र को नशा से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। सदर अस्पताल में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत ड्रग एडिक्शन सेंटर 3 वर्षों से बंद है और उसमें कोरोना जांच केंद्र खोल दिया गया था। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सदर अस्पताल के बंद नशा मुक्ति केंद्र का मुआयना किया। नशा मुक्ति केंद्र का मुआयना के बाद डॉक्टर नवीन कुमार ने बताया कि इसे जल्द तैयार करने का आदेश मिला है। नशा मुक्ति केंद्र में तत्काल 4 बेड का वार्ड बनाया जाएगा। इसमें नशे की गलत लत वाले मरीजों का इलाज संभव होगा। इस केंद्र में मरीजों का न केवल इलाज होगा बल्कि उन्हें नशे की लत से छुटकारा भी मिलेगा। नशा मुक्ति का जो पेशेंट आते थे तो उसको हम लोग मेल वार्ड में रखते थे, और अब हम लोग चाह रहे थे कि जो कोरोना का उस पर प्रकोप था और कोरोना के कारण जो है यहाँ पर टेस्टिंग हो रहा था, तो अब हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपने पूर्व जगह पे जहाँ है नशा मुक्ति चलता था उसको फिर से वहाँ सेटबैक हो जाए करते। किस तरह की व्यवस्था की जाएगी सर? सभी तरह के नशा मुक्ति का जो भी पेशेंट है उनको एडमिट किया जाएगा, उनका समुचित इलाज किया जाएगा। कितने बेड की व्यवस्था की जा रही है? अभी हम लोग 4 बेड का नशा मुक्ति केंद्र इस्टेब्लिश कर रहे हैं यहाँ पे। पार्टीशन वगैरह भी किया जा रहा है अलग अलग चीज़ों? हाँ, पार्टीशन किया जा रहा है, चूँकि नया बिल्डिंग बन रहा है तो वहाँ पर के बिल्डिंग में जो भी हमारे डिपार्टमेंट चल रहे थे उनको शिफ्ट किया जा रहा था इधर, तो उसके कारण जगह की थोड़ी कमी है। तो कैदी वार्ड के भी जो मरीज हैं तो उसके लिए हम लोग एक पोर्शन थोड़ा उसमें कैदी वार्ड के लिए भी छोड़े हुए हैं, और अभी हम लोग नशा मुक्ति और कैदी वार्ड दोनों इसमें चलाएंगे, और उसके बाद जब बिल्डिंग बन के चला जाएगा तो सब अपने अपने बिल्डिंग में सारा डिपार्टमेंट शिफ्ट कर जाएंगे। कब से शुरू होगा सर? शुरू ही है, हम लोग का नशा मुक्ति का जो भी पेशेंट आ रहा है हम लोग एडमिट कर ही रहे हैं, और बस खाली यहाँ पर ये करके और मंडे या ट्यूजडे को हम लोग फिर यहाँ वहाँ का पेशेंट जो भी है यहाँ एडमिट करेंगे। हाँ, मैंने यहाँ पर पेशेंट रहने लगेंगे। राजद प्रदेश महासचिव मनोज की आकस्मिक निधन हो गई। पूरे रीति रिवाज के साथ उनका दाह संस्कार किया गया। राजद के प्रदेश महासचिव सह लोहार कल्याण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज शर्मा का शुक्रवार की देर शाम आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन की सूचना जैसे ही राजनैतिक हलके में लोगों को मिली, लोग शोक में डूब गए। मनोज शर्मा के पैतृक आवास बड़ा जगन्नाथ पंचायत के दामोदरपुर गांव में उनके एकमात्र पुत्र सतीश कुमार शर्मा ने शनिवार को उनके पार्थिव शरीर को मुख्याग्नि दी। इस दौरान काफी संख्या में राजद नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो बहुत दिनों से शुगर का पेशेंट थे और इनको इंदिरा गांधी ले जाया गया, उसके बाद एम्स में भर्ती हुए और किडनी में इंफेक्शन के कारण कल रात 8:00 में इनका निधन हो गया। और ये हमारे पार्टी के एक जुझारू कार्यकर्ता और जमीन से उठे हुए कार्यकर्ता, विभिन्न पद पर रहते हुए आज प्रदेश महासचिव थे, और इनके निधन से पार्टी में शोक की लहर है, पार्टी मरमाहत है। ऐसे मजबूत साथी हम लोगों ने अब अपने बीच से खो दिया। वो हम जब भी हैं उनके पास, हम लोग राजनीति हमारे गुरु भी रह चुके हैं, हम लोग बड़े भाई मानते थे। जब भी किसी कार्यकर्ता के साथ कोई मुसीबत पड़ता था तो दौड़ते थे, लोहार कल्याण महासभा चलाते थे, उनसे पार्टी के तौर पर रहते हुए भी
अपने समाज के लिए दिन रात ऐसे नेता बहुत कम पैदा लेते हैं और जिससे हमारे पार्टी में और लोहार समाज में सब मरमाहत है और आज दुख की घड़ी है। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनके आत्मा की शांति दे। इनका मृत्यु लोहार समाज का कोई है मृत्यु पर क्या बोलना है कि आज बहुत ही दुख की घड़ी है। हम लोग बीच में आज एक बढ़िया कार्यकर्ता जो प्रदेश के महासचिव भी रहे। कांग्रेस जिला कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 105वीं जन्म दिवस पर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। तिलक मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल की अध्यक्षता में प्रथम महिला प्रधानमंत्री प्रियदर्शिनी भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की 105वीं जन्म जयंती उनके तैलचित्र पर पुष्प और माल्यार्पण अर्पित कर मनाई गई। जयंती को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि श्रीमती गांधी के नेतृत्व में ही पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और लगभग 7,500 पाकिस्तानी सैनिक ने भारत की सेना के सामने सरेंडर किया था। यह स्वर्गीय गांधी के कुशल प्रशासक की झलक को दिखलाता है। स्वर्गीय गांधी ने देश को आत्मनिर्भर व शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने का काम किया। उनके फौलादी इरादों के साथ अपने खून की एक एक बूंद को देश पर न्योछावर करने वाली भारत की प्रथम व अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी और देश में आयरन लेडी के नाम से विख्यात हुई। ऐसी आयरन लेडी की जयंती पर जिला कांग्रेस कमेटी उन्हें शत शत नमन करती है। आजादी के बाद विश्व में एक अमिट छाप भारत का छोड़ने वाली प्रधानमंत्री प्रियदर्शी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 105वीं जयंती समारोह तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय मुजफ्फरपुर में आयोजित की गई है। इंदिरा जी देश में प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी ही, लेकिन देश का जो आज आप विकास देख रहे हैं और विश्व में नाम अगर कोई है तो प्रधानमंत्री में इंदिरा जी का नाम रहा है। इंदिरा जी बैंकों को जो प्राइवेट बैंक था सबको राष्ट्रीयकरण करने का काम किया। 71 में 95,000 सेना को पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करा के बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने का काम किए। जो बड़ा बड़ा मिसाइल है परमाणु और बहुत सारे जो अमेरिका बैन कर दिया था उसके बावजूद भी जो है कि इंदिरा जी भारत में जो है पोखरण को इस्तेमाल माने यूज करके पूरे विश्व को दिखाई कि भारत एक शक्तिशाली देश है। जोरा बैल से जब किसान जोत को करते थे पैदावार कम होता था, भुखमरी की स्थिति थी भारत में, तो रसिया से कोलबोरेशन करके नेशनलाइज बैंक से ऋण दिलाकर किसानों को ट्रैक्टर मुहैया कराए। तमाम शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर शहरी फुटपाती दुकानदार संघ के सदस्यों ने अहम बैठक की। फुटपाती दुकानदारों ने जिला प्रशासन के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए शनिवार को कंपनी बाग स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल के बाहर शहरी फुटपाती दुकानदार संघ के बैनर तले बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए मार्केट कमेटी के नेता मोहम्मद जसीम ने बताया कि 2014 कानून के तहत फुटपाथ के दुकानदारों को उजाड़ने से पहले उन्हें बसाना है। फुटपाथी दुकानदारों का वैकल्पिक व्यवस्था करके ही दुकानों को उजाड़ना है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से हम लोगों को बताने से पहले इधर आ जा रहा है जिसका हम लोग विरोध करते हैं। हमारी मांग है कि जिला प्रशासन हमारा वैकल्पिक की व्यवस्था करके उसके बाद हमें उजारे। आज का बैठक हम लोग का, पहले मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद जसीम है, मैं मार्केट कमेटी का लीडर हूं। और आज का बैठक का हमारा उद्देश्य ये है कि नगर निगम के द्वारा हम लोगों को सर्टिफिकेट, आई कार्ड
और 10,000 का पीएम सुनिधि लोन, सब चीज़ हमारे वेंडरों को दिया गया है। जो सारे वेंडर को इस चीज़ का लाभ मिला है और उसके बावजूद भी अतिक्रमण के नाम पर उजारा जा रहा है, जबकि अतिक्रमण से पहले हमको व्यवस्थित करना है, तब जाके हमको उजारना है। जो 2014 अधिनियम के कानून के तहत हम लोगों को ये चीज़ बताया गया है, वो काम हो नहीं रहा है, पहले उजारा जा रहा है। तो इसके लेकर के हम लोग सब विश्व बिहार इंटेक के माध्यम से हम लोग एक बैठक रखे हैं, जबकि हम लोग शहर स्तरीय फुटपाथ विक्रेता संघ ऑलरेडी 2012 से चला रहे हैं, और इसी उसका उद्देश्य यही है कि जो अतिक्रमण के नाम पर हम लोग को हटाया जा रहा है, इसके लिए बैठक किए हैं और हमको कमिश्नर साहब के पास और क्या बोलते हैं उप मुख्यमंत्री के पास जाना है, यहाँ का उद्देश्य लेकर के कि पहले हमको बसाया जाए फिर हमको उजारा जाए। और जो भी हमारा लाभ है हमारे वेंडर्स के लिए, जो सरकारी लाभ है जिसको पूरा तरीके से नहीं मिल पाया, उसको दिलाने के लिए हम इस चीज का प्रयास कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।